हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द ज्योग्राफिया पर, जिसमें हम ज्योग्राफी के कई सारे टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, रिसोर्स ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट और ये सारे टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। और इसमें थॉट की हमने जो शुरुआत की थी, उसमें हमने ग्रीक स्कॉलर का कंट्रीब्यूशन, अरब्स का कंट्रीब्यूशन, रेनेसां के टाइम में वॉयजेस, डिस्कवरीज के टाइम में क्या एक्सप्लोरेशंस हुई थी, क्या सब्जेक्ट को सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस मिले थे, हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। और वेरिनियस और कांट के रेफरेंस में हमने ज्योग्राफिकल ओरिजिन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थिंकिंग इन डिसिप्लिनरी ट्रेंड्स इन जर्मनी। तो जर्मनी में डेवलपमेंट हो रहा था, इमेंस डेवलपमेंट हो रहा था ज्योग्राफी का। इन द 18th एंड द 19th सेंचुरी, इवन प्रियर टू द 8th, जर्मन मेड ग्रेट प्रोग्रेस एंड कैप्ट दिस सब्जेक्ट ऑन साउंड फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक बेसिस। तो जो जर्मनी है ना, वो 18th और 19th सेंचुरी में एक साउंड फिलोसफिकल और साइंटिफिक बेसिस दे रहा था ज्योग्राफी के लिए। तो हमने इस चीज़ को हमने तीन पीरियड्स में डिवाइड किया है। एक प्री क्लासिकल पीरियड हो गया, और एक हम्बोल्ट रेटर का पीरियड हो गया, और एक पोस्ट क्लासिकल पीरियड हो गया। तो हमने इस तरीके से डिवाइड नहीं किया है कि जर्मन्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, किस फील्ड में, किस डिसिप्लिन में, या फिर किस ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी में। हमने टाइम के हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया है। ये ज़्यादा ठीक रहता है अगर आप सब्जेक्टिव तरीके से इसको एनालाइज करेंगे तब। तो इन ईच ऑफ दीज फेसिस, जर्मन स्कॉलर्स हैव लेड फाउंडेशन ऑफ एस्टेब्लिश ज्योग्राफी एंड मॉडर्न साइंस। दे ऑफर्ड वैल्यूएबल कंसेप्ट, काफ़ी सारे कंसेप्ट यहाँ पर आते हैं, मॉडल्स आते हैं, पैराडाइम्स आती हैं, और जो कि आज भी रेलिवेंट हैं, प्रेजेंट टाइम में भी। इन दिस मॉड्यूल वी वुड बी डिस्कसिंग दीज थ्री फेसेस विद इन द जर्मन स्कूल टू एनालाइज द रोल इन साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। तो प्री क्लासिकल पीरियड में कौन लोग ज़्यादातर देखने को हमको मिलते हैं? एक तो कैपलर देखने को मिलते हैं, कैपलर साहब आते हैं, वो बताते हैं, ये एक साइंटिफिक बेसिस देते हैं, कहीं ना कहीं फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक ज्योग्राफी करते हैं। कॉपरनिकस हो गए, गलीलियो हो गए, न्यूटन हो गए, और इनके जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, जो भी इनके प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी इनकी थ्योरम्स होती हैं, वो आगे जो सब्जेक्ट का डिमांड होता है ना, एक जैसे ज्योग्राफी हो गया, तो ज्योग्राफी की एक अपनी डिमांड होती है कि भी कोई भी कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए कोई फॉर्मूला है, कोई थ्योरम है, तो वो इजी हो जाता है। तो ये जो कॉपरनिकस, गैलीलियो और न्यूटन ने जो बेसिस दिया था, इसको फॉरवर्ड ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़रूरी था, मतलब ज्योग्राफी को आगे, एडवांस ज्योग्राफी के लिए काफ़ी ज़रूरी था। तो प्री क्लासिकल पीरियड में पीटर एपियन, सिमास्टिन मूस्टर, क्लोवेरियस, ये सब लोग होते हैं। तो अब एपियन के बारे में क्या कहा जाए, एपियन एक एस्ट्रोनॉमर थे और कार्टोग्राफर थे। तो उन्होंने एक एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटीज लिखी थी जो कि ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी से डील करती थी। ही एक्सेप्टेड द नोशन ऑफ जियोसेंट्रिक यूनिवर्स। तो हालांकि जो एपियन थे वो जियोसेंट्रिक नोशन को ही रिकॉग्नाइज कर रहे थे, जो कि आपका एरिस्टोटल ने दिया था काफ़ी, मतलब हज़ारों साल पहले, मतलब 1000-2000 साल पहले लगभग कह सकते हैं। तो उसी को ये रिकॉग्नाइज कर रहे थे, और इन्होंने, इनका मेन चीज़ था कि हार्ड शेप वर्ल्ड मैप बनाया था। ये काफ़ी फेमस है, ये पूछ भी लिया जाता है कई बार कि हार्ड शेप वर्ल्ड मैप किसने बनाया था। तो ये एपियन ने बनाया था, ये कि जर्मन स्कॉलर थे और प्री क्लासिकल एरा के। तो मोस्टर का जो वर्क है, कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सलिस, तो मोस्टर का ये फेमस है, यूनिवर्सलिस मतलब कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सलिस फेमस है। दिस वर्क हैज़ बिन रिगार्डेड एज वन ऑफ द अथॉरिटेरियन वर्क ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर मैनी डिकेट्स। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए बहुत बड़ा काम माना जाता था कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सलिस, इट ऑर्गेनाइज द ज्योग्राफी। क्लूवेरियस जो होते हैं ना, इनका एक बुक आती है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सम ज्योग्राफियम। तो ये यूनिवर्सल ज्योग्राफी की बात करने वाले पहले इंसान बनते हैं क्लोवेरियस। तो एपियन हो गए, मोस्टर हो गए और क्लोवेरियस हो गए। अपार्ट फ्रॉम दीज वेरियस जर्मन स्कॉलर, अब उसके बाद में वालसी मूलर आते हैं, मार्केटर आते हैं, जो कि वर्ल्ड मैप्स को ईजाद करते हैं, या फिर वर्ल्ड मैप्स का आविष्कार करते हैं, बनाते हैं उनको। और वालसी मूलर ने जो मैप बनाया था उसको कर्टा मैनिरा कहते थे। फिर
1507 में, फिर उसके बाद में 1538 में मार्केटर जो वर्ल्ड मैप देते हैं वो बन जाता है ऐसा मैप जो नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ। तो लो लेटिट्यूड्स और मिडिल लेटिट्यूड्स में उस टाइम पे जो नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले मैप थे उसमें एक बड़ा सुधार देखने को मिलता है मार्केटर के द्वारा। और मार्केटर 1538 में इस चीज़ को, इस मैप को देते हैं और ये काफ़ी बड़ा वरदान साबित होता है ज्योग्राफी में के एक्सप्लोरेशंस में और नेविगेशन वगैरह में। उसके बाद में आते हैं हमारे जो बड़े स्कॉलर हैं बर्नार्ड वेरिनियस। तो ही वॉज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्कॉलर टू हाईलाइट डिफरेंसेस बिटवीन नेचर ऑफ कंटेंट। तो ये नेचर एंड कंटेंट के बारे में अब डिफरेंसेस निकालना इन्होंने शुरू कर दिए। इन्होंने कहा साहब ये फिजिकल ज्योग्राफी होती है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी होती है। ही बिलीव दैट द मेथड ऑफ द नेचुरल साइंस कुड बी सक्सेसफुली ड्रॉ टू कंक्लूजन अबाउट नेचुरल फिनोमेना विद प्रिसाइज टू अ कंसिडरेबली एक्सटेंट। अब इन्होंने क्या कहा ना, जो नेचुरल साइंसेज होती हैं ना, जैसे आपके फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, या फिर आपके जो भी मतलब ऐसी चीज़ें जो साइंटिफिकली ड्रॉ करी जा सकती है, तो उनके कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं विद प्रिसीजन। लेकिन जो ह्यूमन ग्रुप्स होते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी की सर्टेनिटी, मतलब तो उसमें वो जो दे आर मोर सब्जेक्ट टू प्रोबेबिलिटी देन सर्टेनिटी। तो इन्होंने जो डिफरेंशिएशन शुरू किया था ना ह्यूमन ज्योग्राफी में और फिजिकल ज्योग्राफी में, तो इसी बेसिस पे किया था कि जो मैथमेटिकल लॉज होते हैं उनसे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं सिर्फ नेचुरल जो नेचर नेचुरल साइंसेज होती हैं उनके, ना कि ह्यूमन साइंसेज के, ना में ह्यूमन ग्रुप्स के। तो इन्होंने ये यहाँ पे एक बड़ा डिवीज़न दिया था और बताया कि प्रोबेबिलिटी होती है ह्यूमन ग्रुप्स में तो वो उसमें कुछ भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जनरलाइजेशन नहीं हो सकता, जनरलाइजेशन विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन ग्रुप। तो इन्होंने कहा कि जो जनरलाइजेशन अगर ह्यूमन, मतलब पहले तो इन्होंने ये कहा कि जो नेचुरल साइंसेज होती हैं और ह्यूमन ग्रुप्स होते हैं उसमें डिवीज़न है, क्योंकि ह्यूमन ग्रुप्स में प्रोबेबिलिटी होती है, सर्टेनिटी नहीं होती है। उनके रिजल्ट जो हैं कंक्लूजन एक थ्योरम बेस्ड या फिर फॉर्मूला बेस्ड या साइंटिफिक बेसिस मैथमेटिकल बेसिस पर नहीं कर सकते। दूसरा इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन ग्रुप्स पे एप्लीकेशन है जनरलाइजेशन का वो पर्टिकुलर प्लेस और टाइम पे ही रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। इन्होंने कहा कि एक आदमी अपने टाइम एक टाइम पीरियड के बारे में जानता है और उसी स्पेस के बारे में जानता है, ना कि आगे पीछे। और ये कंट्रीब्यूशन था एक तरीके से डुअलिज्म और डाइकोटोमीज को। तो इन्होंने यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी को पनपशा शुरू किया हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिटवीन द रीजनल एंड द सिस्टमेटिक ज्योग्राफी दो ही असर्टेड दैट देवर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। तो यहीं से रीजनल और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की शुरुआत भी होती है और ये कहते हैं ये दोनों अलग अलग नहीं है, इंटरडिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। और बिसाइड दिस इन्होंने इंसोलेशन बताया कि हाँ जो लेटिट्यूड्स होते हैं, जैसे मैं ये बना रहा हूँ यहाँ पर जो लेटिट्यूड्स होते हैं वहाँ पे इंसोलेशन होता है, तो वो डिफरेंट कैसे होता है, डिफरेंट लेटिट्यूड पे डिफरेंट इंसोलेशन कैसा होता है, तो ये भी बर्नार्ड वेरिनियस ने बताया था। और उन्होंने विंड सिस्टम के बारे में बताया था बर्नार्ड वेरिनियस ने। तो हमने अभी डुअलिज्म और डाइकोटोमीज की बात की, समझ लेते हैं क्या होता है डुअलिज्म और डाइकोटोमीज। तो जैसे फॉर अ सब्जेक्ट देयर वाज टू व्यूज, वन इज गिविंग इम्पोर्टेंस टू एनवायरनमेंट। तो एक तो एनवायरनमेंट को इम्पोर्टेंस दे रहा था, मतलब एक एस्पेक्ट था, और दूसरा जो था ना सोशल फैक्टर को दे रहा था। ये हुआ आपका डुअलिज्म, ठीक है। तो कैसे हुआ, एक तो एनवायरनमेंटल डिटर्मिनिज्म हो गया, एक सोशल डिटर्मिनिज्म हो गया, एक तरीके से सोशल एस्पेक्ट हो गया। तो ये डुअल कंसेप्ट हो गए। अब जो इसके कंसिक्वेंसेज होते हैं, इसका मैनिफेस्टेशन जो होता है, तो हेंस डाइकोटोमी हैपेंड विच मीन्स दैट स्प्लिटिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो डाइकोटोमी जो होती है ना, जब सब्जेक्ट स्प्लिट हो जाता है तो उसको डाइकोटोमी कहते हैं। तो बर्नार्ड वेरिनियस की किताब थी रीजनल डिस्क्रिप्शन ऑफ जापान एंड सीएम। इन्होंने डिवाइड किया था इसको पांच टॉप, मतलब पांच चैप्टर हेड्स के अंदर, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ जापान, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सीएम एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलीजन ऑफ जापान इन अफ्रीका, और ये सब आप देख लीजिए। तो इसका नाम जो था जर्मन में था डिस्क्रिप्शन रैगनी और लेपेनो एस सीएम। और इनकी जो मोस्ट फेमस बुक है वो ज्योग्राफिया जर्नलिसिस ही है। तो उसमें इन्होंने बताया था कोरोलॉजी के बारे में और मैथमेटिकल और फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में और सिस्टमेटिक रीजनल ये सब डिफरेंसेस समझाए थे।
और इसको इन्होंने थ्री पार्ट में, मतलब पहले तो इन्होंने ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बताई थी, और उसके बाद में इन्होंने बताया था एब्सोल्यूट, मतलब थ्री पार्ट्स में बुक को डिवाइड किया था, ये टेरेस्ट्रियल पार्ट, रिलेटिव पार्ट और कंपरेटिव पार्ट। तो इसमें कभी कभी ना क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन सा पार्ट, मतलब जैसे ये दे दिया इन्होंने, चार पार्ट दे दिए यहाँ पे, चार ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि बर्नार्ड बेरनियस ने जो किताब लिखी थी ज्योग्राफी जर्नलिज्म, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं था। तो इस तरीके से इस पर क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके बाद आते हैं मोस्ट फेमस, मोस्ट वर्सेटाइल ज्योग्राफर ऑफ द टाइम, इमैनुअल कांट। तो इनका जो फेमस वर्क है जनरल ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवेंस, तो ये ज़्यादातर ज्योग्राफी से डील नहीं करता है, लेकिन इनका जो नेक्स्ट वर्क था क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन और क्रिटिक ऑफ जजमेंट, तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन ये ज़्यादा वैल्यू रखता था ज्योग्राफिकल कंटेक्स में। तो इन इज फेमस क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन कांट फ्री ज्योग्राफी फ्रॉम इट्स क्लोज बॉन्ड विथ थियोलॉजी बाई रिजेक्टिंग द टेल्यूलॉजिकल कंसेप्ट। तो जो एरिस्टोटोलियन, मतलब एरिस्टोटल का जो एक मॉडल चल रहा था ना कि फिलोसफिकल मॉडल, वो कहीं ना जैसे वो उन्होंने प्लेटो से लिया था कि हर चीज़ को टोटेलिटी में देख रहे हैं, तो अर्थ का जो शेप होगा कहीं ना कहीं स्फीयर होगा, उस चीज़ का खात्मा होता है, मतलब उस चीज़ की ख़त्म होती है यहाँ पे जब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन आती है इमैनुअल कांट की। तो अब जो है ना साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक कंसेप्ट पे शुरुआत होना शुरू हो जाती है। इन्होंने एक तरीके से जो थियोलॉजी का बॉन्ड था, मतलब जो धार्मिक एक बॉन्डेशन थी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन पे, साइंटिफिक डिस्कवरीज पे, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया। अब उसने क्या किया, कांट साहब ने क्या किया, ही कांट एडवोकेटेड दैट नॉलेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू वेज, ठीक है, एक लॉजिकल क्लास कैटेगराइजेशन हो सकता है और एक हो सकता है फिजिकल। तो इन्होंने लॉजिकल वाले के लिए कहा क्या कि जो लॉजिकल हो सकता है वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज के बेसिस पे हो सकता है, समझ रहे हैं आप। तो जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज से क्या मतलब है, अगर किसी का शेप दिखता है, किसी का साइज दिखता है, तो वो एक क्लासिफिकेशन हो सकता है। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है जो कि टाइम और स्पेस के रिगार्डिंग जो नॉलेज रखता हो उस पे हम फिजिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें ज्योग्राफी और इन रिलेशन टू दिस ही एसर्टेड दैट हिस्ट्री डिफर्स फ्रॉम ज्योग्राफी ओनली इन दैट, जैसे अभी जैसे हेरोडोटस ने बताया था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक तरीके से डिपेंडेंट भी हैं और अलग अलग भी हैं, तो इन्हीं ने फिजिकल ज्योग्राफी में ये भी बताया, फिर लॉजिकल में क्लासिफिकेशन बताया, जूलॉजी शेप के बेसिस पे ये सब चीज़ें बताई इन्होंने, फिर नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव बताया इन्होंने, एक एक नॉलेज को गेन करने, नॉलेज जो होती है ना ड्राइव्ड होती है इनडायरेक्टली फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, एक नैरेटिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, हम स्पेस और टाइम के बारे में बात करते हैं, और नैरेटिव में कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल नरेशंस के बारे में बात करते हैं। तो ये जैसा कि हम डिस्कस कर चुके, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में बताया कि स्पेस इज नॉट समथिंग ऑब्जेक्टिव और रियल, नीदर इट इज़ एनी सब्सटेंस, बट इट इज़ समथिंग विच इज़ सब्जेक्टिव एंड एसेंशली मेंटल मेंटल कंसेप्ट। तो इन्होंने स्पेस के बारे में बताया यहाँ पे, जो स्पेस होता है ना वो कोई ऑब्जेक्टिविटी में नहीं देख सकते उसको, आप कोई रियल चीज़ में नहीं देख सकते, ये एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है और ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, आप अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने जो आपके प्री एक्वायर्ड नॉलेज होती है उसके हिसाब से जो मेंटल कंस्ट्रक्ट बताते हैं, बनाते हैं, तो उसके बेसिस पे स्पेस को डिफाइन किया जाता है। तो इमैनुअल कांट को ना फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म कहा था शाइफर ने, क्यों, क्योंकि ये जो ना अपोज करते थे जो जनरलाइजेशन की थ्योरी होती हैं उनको अपोज कर सकते करते थे। ही बिलीव दैट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी वर मैथोलॉजिकल डिफरेंट फ्रॉम द अदर साइंसेज, दे वर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ यूनिक एंड एक्सेप्शनल। तो इनका कहना था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो होती है ना ये यूनिक की बात करती हैं, एक्सेप्शनल की बात करती हैं। जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में आप लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिए तो आप जितनी मोशन की एक्टिविटीज़ होती हैं तो उन लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड होती हैं। आपने अगर ग्रेविटेशन का रूल पढ़ लिया तो ग्रेविटेशन पे बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। आप इवन जैसे अभी मार्स का कोई मिशन जाता है उसमें ग्रेविटी आ जाती है, अभी ऊपर से कोई गिरता है उसमें ग्रेविटी आ जाती है, तो उसका एक फिक्स प्रिंसिपल है, उसके बेसिस पे वो सब्जेक्ट काम करता है।
रहे, कोई भी मशीन चलती है उसमें फ्रिक्शन, हर चीज़ से एक फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, ये सब एक कॉमन रूल है। लेकिन ज्योग्राफी में ऐसा, इनके नज़रिए से ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि जो भी प्लेसेस हैं वो दे आर यूनिक, और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, और हर रीजन की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो यूनिक है। हिस्ट्री को बताया इन्होंने कि उस टाइम पीरियड में ऐसा होता था, उस टाइम पीरियड में ऐसा होता था, तो उसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो इनको इसीलिए फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म कहा जाता है। उसके बाद में न्यू कांटिज्म आता है। फॉलोअर ऑफ दिस ट्रेडिशन सॉट टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइंसेज। तो जो कल्चरल साइंसेज और हिस्टोरिकल साइंसेज के बीच में एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, फिर उसके बाद में जो न्यू कांटिज्म आता है, दिस इज सब टू है सो द सीट अनदर डिसिप्लिनर, फिर ये एक नया डुअलिज्म क्रिएट करता है। तो दे अपहेल वेरियस नेचुरल साइंसेज डील विद द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी सेंस एक्सटर्नली एंड दस बी एक्सप्लेन। तो इन्होंने क्या कहा ना, ये जो नेचुरल साइंसेज होती हैं इन्होंने कहीं अपहेल्ड किया, इनको इम्प्रेस किया, और विद ऑब्जेक्ट ये इनको हम एक्सटर्नली सेंस कर सकते हैं और पता कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और हिस्टोरिकल साइंसेस को बताया कि इनको जो है ना ये मेंटल कंस्ट्रक्ट हैं। जो हिस्टोरिकल साइंसेस होती है ना, इनको हम देखिए ऐसा है, जैसे कोई अभी आप हिस्टोरिकल चीज़ बता रहे हैं तो आप उस टाइम में तो जाके नहीं देख सकते, ठीक है, तो आप एक इमेज बनाते हैं, तो उसको मेंटल कंस्ट्रक्ट कहा गया, ठीक है। आप इमेज बनाते हैं, ज्योग्राफी बताई कि हाँ यहाँ पे एक टेथिस सी था, उसके बाद में हिमालयास का फॉर्मेशन होता है, तो आप ज्योग्राफी में भी एक मेंटल कंस्ट्रक्ट का जनरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और एक ऐसी हिस्ट्री में करते हैं। लेकिन नेचुरल साइंसेज में ऐसा नहीं होता। नेचुरल साइंसेज में आपने बता दिया ये ग्रेविटेशन है, तो पहले जो ग्रेविटेशन थी वो आज भी ग्रेविटेशन पावर, वो चीज़ आज भी है और वो चीज़ आज भी चलती है, तो वो नोमोथेटिक होती है। नोमोथेटिक का मतलब, तो मतलब फॉर्मर जो होती है ना, नेचुरल साइंसेज जो होती है नोमोथेटिक होती है। नोमोथेटिक का मतलब होता है वो लॉज पे, रूल पे और इन सब चीज़ों पे गवर्नड होती हैं। और जो आपकी हिस्टोरिकल साइंसेज होती हैं वो इडियोग्राफिक होती हैं, वो एक तरीके का डिस्क्रिप्शन होती है, नरेशन होती है। तो ये एक डुअलिज्म क्रिएट हो रहा था, और फिर आगे जाके ये एक डाइकोटोमी बनती है फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो इन्होंने, इमैनुअल कांट ने मैथमेटिकल ज्योग्राफी, मोरल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कॉमर्शियल ज्योग्राफी, थियोलॉजिकल साइंस, तो इस तरीके से इन्होंने कई सारी ज्योग्राफी के बारे में बताया। और इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था, जो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में डिफरेंसेस बताए थे नोमोथेटिक और आपके इडियोग्राफिक, उसी के बेसिस पे फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट आता है। उसमें ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी की शुरुआत होती है फ्रेंच में, और एक पॉसिबिलिज्म भी उसी की आगे देन होती है। तो ये कांट का कंट्रीब्यूशन हो गया। तो हमने अब प्री क्लासिकल एरिया हो गया, हमारा प्री क्लासिकल पीरियड हो गया। अब हम पढ़ते हैं द क्लासिकल पीरियड ऑफ हम्बोल्ट एंड रिटर, ठीक है। तो अब ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों ज्योग्राफर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने यूनिफॉर्म और सिंपल मेथड दिए थे क्लासिकल पीरियड में। इन्होंने डिफाइन करना शुरू कर दिया ज्योग्राफी को अपने बेसिस पे, कि रीजनल होती है, सिस्टमेटिक होती है, और ये क्या होती है। तो इनको जो ना, इस पीरियड को क्लासिकल पीरियड किसने कहा है? हार्टशोन ने कहा है इस पीरियड को क्लासिकल पीरियड। तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, फाउंडिंग फादर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी भी कहा जाता है। अच्छा, बात कर लेते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में। तो लेट द वे इन द एक्सपेंशन ऑफ ज्योग्राफी आउटसाइड एंड आउटसाइड द जर्मनी ट्रेवल अबाउट। अब ये काफ़ी लंबा घूम के आते हैं, मतलब 40,000 किलोमीटर इन्होंने लंबा घूम के आते हैं और काफ़ी सारी एक्सप्लोरेशन करते हैं। अनलाइक रिटर, ही वॉज नॉट अ आर्म चेयर ज्योग्राफर, रादर ही वॉज एक्सप्लोरिंग द थिंग्स एंड ही वॉज अ क्यूरियस एक्सप्लोरर एंड ही वेंट टू एंडी साउथ एंड ट्रांसवर्सिंग द लीमा एंड पेरू एंड गोवाना बर्ड एक्सेट्रा। तो इन्होंने बताया कि जो पेरू करंट होती है उसका कोल्ड वाटर होता है, और रिकॉर्ड किया फर्स्ट टाइम उन्होंने पेरू करंट, मतलब वही जिससे आपका एल नीनो वगैरह के इफेक्ट के रिएक्ट होते हैं। तो उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया, और जो वेसुबियस आप वोल्केनो है वहाँ पर भी उन्होंने विजिट किया। उसके बाद में आफ्टर कंप्लीशन ही रोड हिज एक्सपीरियंसेस। तो ये काफ़ी जगह घूम के आते हैं और अपने कमेंट्रीज और अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, उसको बाद में काफ़ी फॉरेन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता है। तो इन्होंने बताया कि जो एरियाज़ हैं ज्योग्राफी के जहाँ पर अभी भी हम लोग नहीं जा पाए, तो यंग साइंटिस्ट को इन्होंने काफ़ी कह सकते हैं बूस्ट किया, इनक्रेज किया। इन इज राइटिंग हम्बोल्ट एक्सप्लेन द रीजन ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ मैक्सिकन रेजिडेंट टू देयर बेटर यूज़ ऑफ लैंड रिसोर्सेज।
तो इन्होंने बताया कि अगर आप लैंड रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ कर सकते हैं तो आपका लाइफ प्रोस्पेरस हो सकता है। तो यहाँ पे मेक्सिकन जो थे उनका एक एग्जांपल दिया, उन्होंने आइडिया दिया कि इस्थमस बनाई जाए और डिक किया जाए उसको, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं अटलांटिक को पैसिफिक से। और फिर ही वाज इनवाइटेड बाय बाय रशियन जार। देखिए हम देखिए हर ज्योग्राफर की इस तरीके से डिटेल नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ही वाज वन ऑफ द फेमस एंड रिकॉग्नाइज्ड एज वेल एज इम्पोर्टेंट ज्योग्राफर फॉर द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। दैट्स वाई वी हैव टू स्टडी हिम लाइन बाई लाइन। तो उनको जार ने वहाँ पे इनवाइट किया और उन्होंने जार को बोला कि यहाँ पे आप जो है ना स्टेशन लगाइए, वेदर स्टेशन लगाइए उसका एस्टिमेट लगाने के लिए। अब जब एस्टिमेट लगा लेंगे तो फिर उसके बेसिस पे आप अपना एक्शन ले सकते हैं। तो हम्बोल्ट फाउंड द कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंट अपार्ट फ्रॉम दैट नाउन ऑफ। हाँ, इन्होंने ये क्वेश्चन आपका नेट जीआरएफ में पूछ सकते हैं। परमा फ्रॉस्ट के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया, कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंट बताया। आफ्टर द अंडरटेकिंग ऑफ द टर्म क्लाइमेटोलॉजी अपीयर इन द ज्योग्राफिकल लिटरेचर इट इज रिलेटेड टू द वेरियस। तो ये जो आगे क्लाइमेटोलॉजी के टर्म आते हैं तो इसी से कॉन्टिनेंटलिटी और परमाफ्रॉस्ट ये सब आपस में रिलेशन कहीं ना कहीं की शुरुआत हो जाती है, और हम्बोल्ट इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब इनका जो वर्क आता है 1845 में कॉस्मोस आता है, इन्होंने कॉस्मोस लिखी थी, ठीक है। कॉस्मोस इज अ कम्प्रीहेंसिव अकाउंट ऑफ हम्बोल्ट जर्नी एंड एक्सपीडिशन इज फर्स्ट वॉल्यूम। उसका फर्स्ट फिफ्थ वॉल्यूम आफ्टर हिज डेथ आता है, द सेकेंड वॉल्यूम पोर्ट्रेट। तो ये होल यूनिवर्स के बारे में बताते हैं पूरा, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, और इजिप्शियन के बारे में बताता है इनका सेकेंड वॉल्यूम। तो ये काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन देते हैं, मैंने इस स्लाइड में मेंशन कर दिया है, आप चाहें तो पॉज करके उसको देख सकते हैं। और विद रेस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी हम्बोल्ट प्रोनाउंस अ वर्ड, इन्होंने एक वर्ड दिया था कॉस्मोग्राफी। तो ही अब कॉस्मोग्राफी को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक होता है यूरेनो ज्योग्राफी और एक होता है ज्योग्राफी। तो यूरेनोग्राफी इन्होंने एस्ट्रोनॉमी को बोला, और ज्योग्राफी इन्होंने बोला जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है ज्योग्राफी का, जो कि टेरेस्ट्रियल पार्ट है तो उसको इन्होंने यूरेनोग्राफी बोला। ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू हिम इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ विच इज़ रिलेटेड टू इंटर कनेक्शन ऑफ इवेंट्स इन वन एरिया टुगेदर। तो ये जो बताते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ देते हैं, ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं कि हाँ ये डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है, जैसे मतलब एक तरीके से ईडियोग्राफिक इंक्लिनेशन देते हैं उसको। वन ऑफ द कंटेम्प्रेरी स्कॉलर ऑफ अलग। तो अब ये इनके बाद में इनके साथ वाले जो थे ना कार्ल रिटर थे, तो इन्होंने क्या किया मोर, इन्होंने डेवलपमेंट किया ज्योग्राफी का, मतलब इनका कंट्रीब्यूशन हम्बोल्ट से भी ज़्यादा माना जाता है। और इन्होंने इंडक्टिव मेथड्स को अप्लाई किया, अभी बताएंगे इंडक्टिव मेथड क्या होते हैं स्लाइड में। हाँ देखिए, इन द इंडक्टिव मेथड में हम पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर पैराडाइम मतलब फिर थ्योरी लेकर आते हैं, फिर जनरलाइजेशन करते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। और जो डिडक्टिव होता है उसमें हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसके बाद में प्रडिक्शन वगैरह ये सब एक तरीके से चलता है। थ्योरी पहले डिडक्टिव में पहले थ्योरी बनाते हैं, फिर प्रडिक्शन, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इसमें पहले ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, फिर जनरलाइजेशन, फिर पैराडाइम बनाते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाज, अब जो फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिटर का कंट्रीब्यूशन, तो इन्होंने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का कंसेप्ट दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम देर इज फंडामेंटल यूनिटी इन बायोलॉजिकल एंड अनट्रप्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हैबिटेट। तो इन्होंने बताया जो बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल और अनट्रप्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट हैबिटेट हैं उसमें एक यूनिटी है, इन इन विच मैन गिव्स स्कल्पचर टू हिज कल्चर इन्वायरमेंट। तो मैन जो है ना एक स्कल्पचर बनाता है उस कल्चर इन्वायरमेंट के लिए जो बायोलॉजिकल चीज़ें प्रेजेंट है ऑलरेडी इन्वायरमेंट में। तो ये कहीं ना कहीं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं। इन दिस अप्रोच और द फिजिकल एंड कल्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर केप्ट इन माइंड एंड देयर इंटर कनेक्शन इज मिस अंडरस्टूड टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी ऑफ द इंटरस्टेट यूनिटी। तो इन्होंने बताया ना जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मीन दैट एवरी नेचुरल बाउंड एरिया इज यूनिटी इन रिलेशन टू क्लाइमेट। तो इन्होंने बताया ना कि एक सब क्लाइमेट होता है, कल्चर होता है, पॉपुलेशन होती है, तो एक कोई ज्योग्राफिकल एरिया कोई एक बाउंड होता है ना, तो उसका एक डिस्टिंक्ट एक पैटर्न होता है ना कि उसका एक क्लाइमेट हो गया, एक पॉपुलेशन हो गई, उसका एक कल्चर हो गया, उसकी एक हिस्ट्री होती है, तो वो अपने आप में एक बाउंड एरिया हो जाता है। तो उसमें यूनिटी होती है और डाइवर्सिटी भी होती है। यूनिटी ये होती है कि उसकी इतनी सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डाइवर्सिटी ये होती है कि उसके फैक्टर जो है डिफरेंट होते हैं। तो इनकी जो बेसिस था वो टेलीलॉजिकल था, अनलाइक अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। तो मतलब फिलोसफिकल बेसिस पे ये बात करते थे। अब हम बात करते हैं पोस्ट क्लासिकल पीरियड की, जो कि मिड 19 सेंचुरीज में शुरुआत हो रही थी। अब यहाँ पे ना प्रोफेशनलिज्म की शुरुआत हो जाती है,
फिर यहाँ पे रिश्थोफन, रेटजल, पेंग, हेटनर, ये सब लोग आ जाते हैं और ज्योग्राफी में प्रोफेशनलिज्म ला देते हैं ये। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पैराडाइम ऑल न्यू इमर्जिंग प्रोफेसर केम अप विद देयर ओन डेफिनेशंस ऑफ ज्योग्राफी दस कंट्रीब्यूटिंग टू द ज्योग्राफिकल थिंकिंग। तो अब क्या होता है ना, अब ज्योग्राफी को प्रोफेशनल बनाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन बनाने की बात चल रही है और एकेडमिक स्टेटस देने की बात चल रही है, तो उस पर नई नई डेफिनेशंस आती हैं, अलग अलग ज्योग्राफर अपनी अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। दिस गेव ज्योग्राफी एन एकेडमिक स्टेटस। तो अब यहाँ पे ज्योग्राफी को एकेडमिक स्टेटस मिलने लगेगा, एक डिसिप्लिन बनेगा, दस एस्टेब्लिशिंग ज्योग्राफी एज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। जो आज हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं ये आपका पोस्ट क्लासिकल पीरियड से स्टार्ट होता है। द इमर्जेंस ऑफ दिस न्यू ज्योग्राफी, अब इसका क्रेडिट जाता है पेस्चल को, स्टॉपन को, रेडजल को, पेंग को, रेड हेटनर को। तो ये सारे जर्मन स्कॉलर हैं, द कंट्रीब्यूशन लेट टू द जर्मनी। हाँ एक चीज़ और है, तो यहाँ पर जो एकेडमिक्स एकेडमिक ज्योग्राफी की शुरुआत होती है, इसमें लीडिंग नेशन बनता है जर्मनी और यहीं से इनका कंट्रीब्यूशन होता है। फिर उसके बाद में ये सब स्टडी होती है फिजिकल सेटिंग्स के बारे में और एडजस्टमेंट, ह्यूमन के एडजस्टमेंट मान अकॉर्डिंग टू हिम। अब जो रिश्थोफन होते हैं ना वो बताते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू सर्च ह्यूमन रिलेशन विद फिजिकल एंड, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं। तो इनको बताया कि जो ऑब्जेक्टिव है ज्योग्राफी का वो ह्यूमन रिलेशन को पढ़ना है विद फिजिकल अर्थ एंड द बायोलॉजिकल फीचर्स, जो बायोलॉजिकल लिविंग फीचर्स हैं उनके उनसे रिलेशन में और फिजिकल अर्थ के रिलेशन में ह्यूमन को पढ़ना है ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव। रिच्थोफन वॉज द फर्स्ट जर्मन स्कॉलर हु हैड डिफरेंशिएटेड बिटवीन जनरल एंड रीजनल ज्योग्राफी। तो हालांकि सिस्टमेटिक और रीजनल ज्योग्राफी की बात तो रिटर और हम्बोल्ट के टाइम में हो रही थी, लेकिन उन्होंने पहली बार इसको मेंशन किया। ही स्ट्रेस दैट रीजनल ज्योग्राफी शुड बी डिस्क्रिप्टिव, रीजनल ज्योग्राफी डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए और वहाँ के फीचर्स की फीचर्स को डिफाइन करना चाहिए। तो उन्होंने जो कोरोलॉजी का टर्म इस्तेमाल किया था और कोरोग्राफी के बारे में बताया था, कोरोलॉजी एक तरीके से टाइम पीरियड पे बेस्ड थी और बताती थी, और कोरोग्राफी डिस्क्रिप्शन देती थी सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का। रिस्थोफन डिस्टिंग्विश डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टडी इन एरियाज ऑफ डिफरेंट साइज एंड विच ही नेम्ड। तो इन्होंने कई सारे साइजेस में पढ़ा और देखा, मेजर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मेजर रीजन, लैंड लैंडस्केप और द स्मॉल रीजन लोकेलिटीज़, तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया। फिर उसके बाद आते हैं फ्रेडरिक रेडजेल, बीइंग अ कंटेम्प्रेरी ऑफ डार्विन ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुक, जो डार्विन की थ्योरी आई थी ना स्पीसीज को लेकर, स्ट्रगल एंड नेचुरल सिलेक्शन एसोसिएशन और ऑर्गेनिज्म, जो इन्होंने थ्योरीज बताई थी, जो भी अपने थ्योरम्स दी थी उससे ये काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे। इट वॉज रेडजल हु कंपेयर द मोड ऑफ लाइफ एंड डिफरेंट ट्राइब्स नेशन दिस मेड सिस्टमेटिक स्टडी। तो अब ये ह्यूमन ज्योग्राफी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने डार्विन की जो थ्योरी से इन्फ्लुएंस थे काफ़ी सारा, तो उससे इन्होंने इन्फ्लुएंस होकर एंथ्रो, पहले तो एक बुक का नाम याद कर लें जो टर्म भी इन्होंने कॉइन किया था, एंथ्रोपोजोग्राफी, तो जो मतलब ह्यूमन रिलेटेड ज्योग्राफी की बात करते हैं। और इन्होंने बताया था ना कि जो हायर रेसेस होती हैं दे हैव द राइट टू रूल लोअर रेसेस और लोअर रेसेस ऑफ द रीजन, मतलब कहने का ये था ना जो बड़ी रेसेस हैं इनका, इन्होंने डिवाइड किया था पहले कि हाँ आर्यंस होते हैं तो वो बड़ी रेसेस हैं और उनका हक बनता है कि वो डिफेंड करें या फिर रूल करें जो लोअर रेसेस हैं। तो इस तरीके की मेंटेलिटी या फिर इस तरीके का एक आउटलुक पनपना शुरू होता है फेडरल रेडजल के टाइम से, और जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर की तरफ को ले जाता है हमको। आ स्कॉलर विद वर्सेटाइल एकेडमिक इंटरेस्ट। और फिर उसके बाद में ये, हाँ इन्होंने पहले क्या होता है ना जो बता रहे थे किसके बारे में अभी, रेडजल के बारे में, तो ये काफ़ी नेशनलिस्ट टाइप के होते हैं, पेट्रियोट होते हैं। तो इन्होंने फ्रेंको प्रूशियन वार में भी पार्टिसिपेट किया होता था, कभी कभी पूछ लेता कि फ्रेंको प्रूशियन पार्ट में कौन कौन ज्योग्राफर था उसने पार्टिसिपेट किया था। आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द स्टडी ऑफ वेज। तो इन्होंने फिर उसके बाद में डेडिकेशन ज्योग्राफी की तरफ कर दिया था इसके बाद में, और काफ़ी सारा इन्होंने एंथ्रोपोजोग्राफी जो इन्होंने बुक लिखी थी। इन द वर्ड्स ऑफ डिकिंसन इन हिज फर्स्ट वॉल्यूम ही डिस्कस द कॉज ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, इन सेकेंड
डिस्ट्रीब्यूशन, पहले में इन्होंने कॉस पढ़ाया था और दूसरे बारे में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी। और फिर 1896 में इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी लिखी और ही कंपेयर्ड स्टेट टू द ऑर्गेनिज्म। अब क्या है ना, इन्होंने स्टेट को ऑर्गेनिज्म से कहीं ना कहीं रिलेट कर दिया कि अब जैसे स्टेट है उसको अगर जीना है, आगे बढ़ना है, लिविंग प्लेस की तरह उन्होंने बताया, तो उसको जो आपके नेबर के जो टेरिटरीज होते हैं वो अपने अंदर लाने होंगे और अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना होगा। दिस वॉज द फिलोसफी ऑफ लिविंग प्लेस विच क्रिएटेड कंट्रोवर्सी ओवर द सुपीरियर एंड द लोअर लेवल विच एडवोकेट्स सेइंग द बेस्ट पीपल और नेशन हैव टू स्टे एट द एक्सपेंसिस ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। तो उन्होंने कहा रेडल साहब ने कि जो बड़े लोग हैं, जो बेस्ट लोग हैं, वही रुकेंगे एट द कॉस्ट ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, क्योंकि उनका हक है, उनका राइट है उन पर रूल करना। इट वॉज रेडल फिलोसफी विच रूल्ड जर्मन पॉलिसी इन 1930 एंड रिजल्ट ऑफ विच वर्ल्ड वॉर सेकेंड टुक प्लेस। तो इसी फिलोसफी पे वर्ल्ड वॉर कहीं ना कहीं सेकेंड भी होता है, और ये काफ़ी ख़तरनाक ज्योग्राफर कहे जा सकते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहा जाता है इन्होंने इनको। उसके बाद में आते हैं अल्फर्ड हेटनर। हेटनर जो होते हैं यूरोप, एक बुक लिखते हैं, फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी कहा जाता है इन्होंने। अकॉर्डिंग टू हिम कोरोलॉजिकल साइंस और इट इज़ द स्टडी ऑफ एरियाज़। तो ज्योग्राफी को बताया इन्होंने कोरोलॉजिकल साइंस है। ही एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द इवेंट्स एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। फिर रीजनल ज्योग्राफी के बारे में ये इम्पोर्टेंस बताते हैं, और रीजनल ज्योग्राफी कहीं ना कहीं जनक कहे जाते हैं, शुरुआत कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि ज्योग्राफी को यूनिक थिंग्स और यूनिवर्सल थिंग दोनों में पढ़ा जाना चाहिए, और इन्होंने उस चीज़ को डिसमिस कर दिया हेडनर ने कि ज्योग्राफी इधर मतलब रीजनल हो सकती है या फिर सिस्टमेटिक हो सकती है, मतलब तो उस चीज़ को डिसमिस कर दिया उन्होंने, यूनिवर्सल हो सकती है, रीजनल हो सकती है, इस चीज़ को डिसमिस कर दिया। हेडनर वाज अगेंस्ट द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो ये जो था ना हेडनर, ये डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटलिज्म के डिटर्मिनिज्म के एकदम अपोज करते थे, और ये कंट्रीब्यूटर कहे जाते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पॉसिबिलिज्म में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट में। ही रिजेक्टेड दैट आइडिया, द आइडिया दैट ज्योग्राफी कुड बी इधर इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक बट नॉट बोथ। तो इस आइडिया को भी इन्होंने कहीं ना कहीं खारिज कर दिया, डिस्करेज कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया कि ज्योग्राफी जो है या तो मोनोथेटिक हो सकती है या इडियोग्राफिक हो सकती है। इन्होंने कहा भाई ज्योग्राफी दोनों हो सकती है, जैसा जैसा आप यूज़ करेंगे उस हिसाब से। फिर उसके बाद में पेंक आते हैं, और पेंक फादर ऑफ जियोमोर्फोलॉजी कहा जाता है इनको। इन्होंने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, साइकिल ऑफ इरोजन डेवलपमेंट बताया था जो विलियम डेविस मॉरिस ने बताया था, और पेंक ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। फिर उसके बाद में अपार्ट फ्रॉम दीज स्कॉलर पसाज, कोपन, स्कॉट, फिलिप्सन, क्रिस्टॉलर, जेलन, हाउशोफर, ये सब आते हैं, ये यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी का। तो इनका कंट्रीब्यूशन सब लोगों का यही रहता है, कोरोलॉजी, लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी और मॉडर्न साइंटिफिक ज्योग्राफी। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं जन्म होता है, और क्लासिक्स इन पार्टिकुलर हेटनर्स मेथोलॉजिकल डिस्कशन हैव कम टू बी रिगार्डेड क्लासिक्स इन ज्योग्राफी विच नो जर्मन स्कॉलर। तो काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन रहता है। और इनके बारे में ना देखिए, मैं अभी तो ये एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता रहा हूँ, तो ये थॉट में पता क्या होता है, जो लोग पहले नेट की तैयारी करते हैं ना, तो उनके फैक्ट क्लियर हो जाते हैं। तो फैक्ट के बेसिस पे आप नेट का एग्ज़ाम तो निकाल सकते हैं, लेकिन JRF में थोड़ा दिक्कत होता है, JRF में थोड़ा आपके कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट तो बता रहा हूँ टाइम बेसिस पे, और क्रोनोलॉजिकल आपके मेंटल इमेज बनती होगी कि इस पीरियड में क्या टाइम क्या काम हो रहा है, तो आप इसको क्रोनोलॉजी में भी ऐड कर लीजिए। अब मैंने इसको डिवाइड किया क्लासिकल, पोस्ट प्री क्लासिकल, क्लासिकल और पोस्ट क्लासिकल। तो इसमें जो ज्योग्राफर आए, तो आप इसे क्रोनोलॉजी बना सकते हैं, क्रोनोलॉजी बना सकते हैं। तो इसी बेसिस से आप देखते रहिए, बाकी में एक वीडियो सारे ज्योग्राफर का कंट्रीब्यूशन, उनकी बुक्स और उनका ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी में क्या कंट्रीब्यूशन था और किस टाइम पे था, इसकी एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसिप्लिनरी ट्रेंड्स इन फ्रांस, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी थिंकिंग एंड डिसिप्लिनरी ट्रेंड्स इन फ्रांस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और कमेंट करिए क्या कमी है, क्या डिस्क्रिप्शन में कमी रह जा रही है, उसके हिसाब से हम फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।